मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी एपीएन सेटिंग जिसके थ्रू आप जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल, कोई भी सिम हो, हर सिम की आप इंटरनेट स्पीड जो है सही कर सकते हो या फिर बढ़ा सकते हो। तो गाइज़, जो मैं आपको एपीएन सेटिंग बताने वाला हूँ, इस एपीएन सेटिंग को आप किसी भी एपीएन सेटिंग से कंपेयर कीजिए, आपको हमेशा ये आपको हर एपीएन से बेहतर स्पीड देगी। तो गाइज़, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो एपीएन सेटिंग है कौन सी। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद डुअल सिम एंड सेलुलर नेटवर्क पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको चूज़ करना है कि आपके कौन सी डिवाइस में, आई मीन कौन से सिम में नेट ओपन है, तो उस वाले सिम को ऑन कर लीजिएगा। तो मैंने जैसे सिम जियो वन को ओपन किया है, तो इसमें फ़िलहाल नेट ओपन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सेस पॉइंट नेम सबसे लास्ट में, सेकेंड लास्ट होगा, तो इसको ओपन करना है और एक न्यू एपीएन बनाना है। गाइस, आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करके, तो जैसे कि मैंने आप APN बनाया हुआ है, तो मैं अभी आपको इसकी सेटिंग दिखाने वाला हूँ, मैंने इसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो सबसे पहले आपको, जब आप एक न्यू APN बनाओगे तो नेम में आपको लिखना है हेक्स स्पेस अल्फा। तो गाइस, सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है और इसको सेव कर देना है। बाद में आपको APN लिखना है। APN में गाइस आपको हेक्स 98 लिखना है विदाउट स्पेस, इसको भी सेव कर देना है। नेक्स्ट आता है गाइस प्रॉक्सी पोर्ट, इन दोनों को नो सेट रहने देना है। यूजर नेम पे आते हैं, यूजर नेम में आपको लिखना है 4G सपोर्ट, SUPPORT, विदाउट स्पेस लिखना है, और 4G का जो जी होगा वो गाइस कैपिटल होगा, इसको सेव कर देना है। पासवर्ड आप नो सेट रहने दीजिएगा। सर्वर पे आते हैं, तो यहाँ पे आपको www.google.com लिखना है, इसको लिखने के बाद सेव कर देना है। MMSC, MMS प्रॉक्सी, MMS पोर्ट, इन तीनों को नो सेट रहने देना है। MCC, MNC आपके एरिया कोड है, इनको भी नो सेट, आई मीन जो है वो ऐसे कैसे रहने देना है। ऑथेंटिकेशन टाइप पे आते हैं, तो यहाँ पे आपको PAPO CHAPP पे क्लिक करना है, जो कि सबसे लास्ट में होगे। क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। APN टाइप पे आना है, APN टाइप में आपको डिफ़ॉल्ट लिखना है। डिफ़ॉल्ट लिखने के बाद आपको इसको सेव कर देना है। नेक्स्ट आता है गाइज APN प्रोटोकॉल, तो यहाँ पे हो सकता है आपका IPv4 या IPv6 पे क्लिक हो, तो वहाँ से उसको अनटिक करके IPv4 IPv6 पे आपको क्लिक करना है। सेम प्रोसेस आपको APN रोमिंग प्रोटोकॉल में भी करनी है। जैसे कि यहाँ पे आप IPv4 या IPv6 पे अगर क्लिक हो, तो वहाँ से हटा के उसको IPv4/IPv6 पे कर लीजिएगा। करने के बाद गाइज अब लास्ट आता है हमारा BRR में गाइज अनस्पेसिफाइड मिलेगा आपको टिक, और वहाँ से उसको अनटिक करने के बाद जितने भी BRR है आप इनको सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के साथ ही ये ऑटोमेटिक जैसे आप बैक करोगे तो सेव हो जाएगा। और एक चीज़ और गाइज, अगर आपके डिवाइस में सभी BRR सेव नहीं होते हैं, तो आप ओनली LTE को सेलेक्ट कर लीजिएगा, और सेलेक्ट करने के बाद अपने स्क्रीन पे देखिए कहीं सेव का ऑप्शन होगा, तो इस वाली सेटिंग को सेव कर लेना है। सेव करने के बाद जैसे ही आप अपने न्यू APN पे क्लिक करोगे, तो आपका जो इंटरनेट है वो कुछ सेकंड के लिए चला जाएगा और तुरंत ही आ जाएगा। और आने के बाद गाइस आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने नेट ओपन किया और नेट चलाना स्टार्ट कर दिया। आपको सबसे पहले या तो अपने फ़ोन को रिस्टार्ट कीजिए, स्विच ऑफ करके ऑन कीजिए, या फिर एयरप्लेन मोड को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद जैसे ही ये एक्टिव हो जाता है, तो इसको डीएक्टिवेट कर लीजिएगा। अब आपका जो नेट है वो दोबारा से आएगा, दोबारा से चलेगा। अभी जैसे यहाँ पे जैसे मेरा नेट ओपन हो जाता है, तो मैं आपको इसकी स्पीड दिखाऊंगा। तो अब जैसे कि नेट चल गया है, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको इसकी स्पीड, जो कि हम देखने वाले हैं स्पीड टेस्ट ओकला का जो ब्राउज ऐप है उसमें गाइस। तो यहाँ पर फाइंडिंग सर्वर हो गया है, जैसे ये फाइंड हो जाता है, तो उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करने वाला हूँ गो पे। गो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी स्पीड आएगी वो अच्छी होगी। तो गाइज़ आप देख सकते हो 50 Mbps के आसपास यहाँ पे स्पीड मिल रही है, तो इससे बेहतर स्पीड आपको किसी भी APN के थ्रू नहीं मिल सकती गाइज। ये मेरी आपसे एक कमिटमेंट है कि आप जब इस APN को अपने डिवाइस में स्टार्ट करोगे, एक्टिव करोगे, तो आपको एक बेहतर नेट स्पीड देखने को मिलेगी। तो गाइज़ ये जो APN है, अगर आपको इस वाले APN के थ्रू हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, और कमेंट करने के बाद आप मुझे बताइए कि ये वाली APN सेटिंग आपको कैसी लगी।